जैसे कि आप सबको जानते हैं ये काफी ज्यादा बारिश हो रही है तो हाँ अभी तो बंद है, तो हम लोग बस देखते हैं कहाँ जा सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा मैं अभी जब वसई से आ रहा था तो काफी ज्यादा जगह पे बारिश की वजह से काफी ज्यादा जगह बंद है, तो हम लोग काफी जगह बहुत कम जगह पे ही जा सकते हैं, बट आज कुछ ज्यादा कुछ काम है नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो नहीं मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये विरार का नंदा खाल एरिया है और ये नंदा खाल का फेमस होली स्पिरिट चर्च है। यहाँ के लोकल कैथलिक सालों से यहाँ पर अपनी प्रेयर्स देते हैं। ये काफ़ी रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्लेस है लोकल्स के लिए। गाइस हम पहुंच गए हैं, कैसा लग रहा? लोग आए हैं काफी फेमस प्लेस है, टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, जिसको आप ये पता मिनी गोवा भी समझ सकते हो। काफी रिलैक्सिंग और चिलिंग प्लेस है, यहाँ पर आप बीच का बता सकते हैं Thank you.
प्लेस है, इस पर काफी गंदगी आ चुकी है। वो कहते हैं ना कि हम समुद्र को जो देते हैं समुद्र हमें वही वापस देता है, तो हमने समुद्र को कचरा दिया था, कचरा रिटर्न करके गए, समुद्र को कचरा वापस हमको दे रहे हैं। तो गाइस अब हम लगी है भूख, अब आए हम सतपला नाका विरार राजौड़ी में, यहाँ काकी का वड़ा पाव एक बार आइएगा तो जरूर ट्राई कीजिए। काकी तीन वड़ा पाव देना। गर्मा गर्म वड़ा पाव कैसा है? बहुत मस्त है, ढेर चटनी के साथ है। ये राजौड़ी के यहाँ पर ये गांव की चटनी है ना? सेजा चटनी सतपला नाका पे। इंडियन बर्गर